क्या बिना स्टेबलाइजर के हम एसी यूज कर सकते हैं, या फिर जिन एसीज में वर्किंग वोल्टेज रेंज होती है या फिर जिन एसीज में स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस होते हैं उनमें हमें वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत होती है या नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे सवाल मुझे कमेंट्स में मिलते हैं, तो सोचा एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपको इस बारे में बता देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से हो गए, आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक वोल्टेज स्टेबलाइजर करता क्या है। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि ये वोल्टेज को स्टेबल करने का काम करता है, लेकिन ये दो काम करता है। स्टेबल तो करने का काम करता ही है, यानी कि वोल्टेज स्टेबलाइजर का काम है कि उसके अंदर जो वोल्टेज आ रही है, अब वो बेशक इवन आ रही है या अनइवन आ रही है, अप डाउन हो रही है, उसका काम ये है कि जो आउटपुट सप्लाई है वो 200 वोल्ट से 240 या 45 के बीच में देगा। लेकिन दूसरा काम उसका यह है कि वर्किंग वोल्टेज रेंज उस वोल्टेज स्टेबलाइजर की जो भी है, मान लो 150 से 250 उसकी वर्किंग वोल्टेज रेंज है, तो इस वोल्टेज रेंज से अगर सप्लाई ग्रिड से जो आ रही है, जो मीटर से सप्लाई आ रही है, बिजली बोर्ड से जो सप्लाई आ रही है, वो अगर इस रेंज से बाहर आती है, बेशक डाउन में या फिर अप में, तो वोल्टेज स्टेबलाइजर का काम है आउटपुट सप्लाई को कट कर देना, ताकि हमारे उपकरण में सप्लाई ज्यादा ना जाए या फिर जरूरत से कम भी ना जाए, ताकि उसका कुछ खराब ना हो पार्ट वगैरह। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर के ये दो काम है। अब बात आती है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर आपको मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी ब्रांड या कोई भी कंपनी, बेशक वो एसी बनाती है, फ्रिज बनाती है, टीवी बनाती है, होम थिएटर बनाती है, मतलब वो कुछ भी बनाती है, कोई कंपनी आपको ये नहीं बोलेगी कि आपको हमारे प्रोडक्ट के साथ वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाना चाहिए। क्योंकि जो ब्रांड है वो सिर्फ आपको ये बताएगा कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है वो इतने से इतने वोल्टेज रेंज में काम करता है। ज्यादातर आपके घर में जो उपकरण होंगे उनके ऊपर आपने लिखा देखा होगा 220 या 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज एंड सिंगल फेज। तो वो सिर्फ हमें ये बता रहे हैं कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है इसमें आप इस तरह से सप्लाई अगर देंगे तो ये परफेक्टली काम करेगा। अब हमारे यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम बिजली बोर्ड को कोई लेटर दे दें कि भाई हमारे घर में तो 220 या 230 के हिसाब से ही बिजली आनी चाहिए, उससे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं। हमारे यहाँ तो वोल्टेज जो सप्लाई है वो कभी डाउन हो जाती है, कभी अप हो जाती है। हालांकि बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर ऐसा नहीं होता है। मान लो हमारे यहां पर, जहां पर मैं बैठा हूं दिल्ली में, यहां पर वोल्टेज बिल्कुल स्टेबल रहता है, 230 से 240 के बीच में ही रहता है। तो ऐसे में हमें यहां पर किसी वोल्टेज स्टेबलाइजर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जिन एरियाज में वोल्टेज ड्रॉप रहता है या मान लो ज़्यादा रहता है, तो वहां पर तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। क्योंकि वोल्टेज का जो सप्लाई है वो 200 या 240 के बीच में अगर आप किसी उपकरण को देंगे तभी वो ठीक से काम कर पाता है, अदरवाइज वो ठीक से काम ही नहीं कर पाता। और ये एक वोल्टेज स्टेबलाइजर को यूज़ करना एक प्रिकॉशनरी होता है, ना कि मैंडेटरी होता है। तो हम प्रिकॉशनरी उसको यूज़ करते हैं ताकि हम नहीं चाहते कि खामखा हमें कोई परेशानी हो, कोई चीज़ हमारी ख़राब हो जाए। वो एक अलग बात है कि वो रिपेयर हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो ख़राब ही ना हो। और उसके बाद अब बात आती है नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी में। तो नॉन इन्वर्टर एसी में क्या होता है कि ज़्यादातर एडवाइस किया जाता है कि आप लगवाओ ही लगवाओ, क्योंकि वो जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है उसके कंप्रेसर के अंदर जो मोटर होती है वो एक फिक्स स्पीड के ऊपर ही काम करती है, यानी कि जब भी वो चलेगा तो पूरे लोड से ही चलेगा। तो ऐसे में उसको एक सही मात्रा में वोल्टेज की ज़रूरत होती है। अगर उससे कम या ज़्यादा जाएगी तो वो कंप्रेसर ख़राब हो सकता है या उसका पीसीबी ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि नॉन इन्वर्टर अगर एसी है तो उसके साथ तो आप प्रिकॉशनरी वोल्टेज स्टेबलाइजर ज़रूर लगाइए। अब बात आती है इन्वर्टर एसी की। तो इन्वर्टर एसी में वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाना है या नहीं लगाना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। क्योंकि जो ब्रांड्स हैं वो बोलते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि हमारे एसी में स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस हैं और ये है उसकी वर्किंग वोल्टेज रेंज। लेकिन अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा है तो आपने ज़रूर समझ लिया होगा कि एसी बेशक चलता है इनकी बताई हुई वोल्टेज रेंज के बीच में, लेकिन कूलिंग वो उस हिसाब से नहीं करता है। वोल्टेज कम मिलेगी आपको तो कूलिंग भी कम मिलेगी, वोल्टेज ज़्यादा होती है तो कूलिंग भी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में अगर आप एक वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं तो आपको वो वोल्टेज स्टेबलाइजर अगर कम आ रही है वोल्टेज तो उसको बढ़ा कर देता है, ज़्यादा आती है तो उसको कम करके देता है। तो यानी कि 200 या 220 के बीच में वो करके देता है उसको, जिससे आपका उपकरण परफेक्टली काम करता है। हमने प्रैक्टिकली इन्वर्टर एसी को बिना स्टेबलाइजर के और स्टेबलाइजर के साथ वोल्टेज ड्रॉप करके और वोल्टेज को बढ़ाकर
चेक किया हुआ है। ये दोनों वीडियोस के थंबनेल आपके सामने हैं, एक में हमने स्टेबलाइजर के साथ चेक किया है एसी को और एक में बिना स्टेबलाइजर के चेक किया है, और दोनों में आप डिफरेंस देखिएगा कि जब हमने स्टेबलाइजर के साथ यूज किया तो क्या फर्क पड़ा परफॉर्मेंस के ऊपर। तो अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको कुछ और पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे जैसे कि मैं आपको ज्यादातर वीडियोस में बोलता ही हूं कि आपको एक अच्छी क्वालिटी का वोल्टेज स्टेबलाइजर जरूर लगाना चाहिए प्रिकॉशनरी अपने एसी के साथ, ताकि आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसका पीसीबी ना खराब हो, मतलब यहाँ कोई भी चीज़ ना खराब हो। बेसिकली वो एक अलग बात है कि कंपनी उसको चेंज कर देगी या रिपेयर हो जाएगा वो, लेकिन आपको फिर भी सफ़र करना पड़ेगा ना, क्योंकि मान लो अगर पीसीबी खराब हो गई, एक तो पैसे लगेंगे, दूसरी बात अगर वारंटी में भी है तो 15 से 20 दिन लग सकते हैं पार्ट अरेंज करने में और उसको ठीक ठाक करने में दोबारा से। तो ऐसे में उन चीज़ों से बचा जाए तो फिर हम एक स्टेबलाइजर लगा लेना चाहिए। अब दूसरी बात ये आती है कि स्टेबलाइजर का रेंज कितना होना चाहिए या फिर कौन सा होना चाहिए। अब स्टेबलाइजर तो देखो कोई भी हो सकता है, लेकिन बात करते हैं रेंज के ऊपर। तो रेंज जो है वो आपके एरिया में जितने हिसाब से ड्रॉप जाता है, सर जाता है, उसके हिसाब से आप लीजिए। अब मान लो हमारे यहाँ पर मुझे पता है कि मिनिमम 220 सप्लाई रहती है और मैक्सिमम 245 तक रहती है, और इसी हिसाब से यहाँ पर कंटिन्यू सप्लाई आती है। तो मुझे तो अगर स्टेबलाइजर लगाना भी होगा तो मैं 170 वाला भी अगर लगा लूँ तो भी मेरे लिए इनफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपके यहाँ पर ड्रॉप ज़्यादा जाता है, आप किसी विलेज एरिया में रहते हो या फिर किसी इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास रहते हो, तो आपको फिर ज़्यादा वोल्टेज रेंज वाला स्टेबलाइजर लगाना चाहिए। और मैं एडवाइस करूँगा कि अगर आपको 90 वोल्ट या फिर 100 वोल्ट से उठाने वाला चाहिए तो आपको आपके यहाँ पर पता करना चाहिए जो बनाता हो स्टेबलाइजर, क्योंकि ये जो बने बनाए स्टेबलाइजर होते हैं इनसे बहुत अच्छा काम करते हैं जो आप खुद से असेंबल करवाएंगे और उनमें वो कॉपर की वाइंडिंग करते हैं, और मतलब उनके क्वालिटी अलग होता है और उसके बाद उनकी वारंटी वगैरह और वो भी वो टेक केयर करते हैं। तो ऐसे में अगर आपको एक वाइड रेंज वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर बनवाना है या फिर मेन लाइन स्टेबलाइजर बनवाना है तो आप बनवाइए उसको, बजाय कि बना बनाया खरीदिए। अगर आपको बना बनाए का भी कहीं ऑप्शन मिल रहा है तो अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज आप करवा सकते हैं, काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जो आपके हिसाब से कस्टमाइज कर देती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जिस पॉइंट के ऊपर हम बात कर रहे थे कि स्टेबलाइजर ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, तो जी हाँ, प्रिकॉशनरी हमें ज़रूर लगाना चाहिए, वैसे कोई मैंडेटरी नहीं है। और अगर मैं अपनी बात कहूँ तो ये जो LG का AC हमने लगा रखा है अपने ऑफिस में, इसको हम बिना स्टेबलाइजर के यूज़ कर रहे हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं आ रही। मेरे पास एक डाइकिन का AC है लगभग 8 से 9 साल पुराना, उसको भी मैं ज़्यादातर बिना स्टेबलाइजर के ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि कभी टेस्ट करना हो या फिर शुरुआती दौर में मैंने 1-2 साल ज़रूर उसके साथ स्टेबलाइजर लगाया है, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू कभी स्टेबलाइजर उसके साथ नहीं लगाया, और आज भी उसके साथ स्टेबलाइजर कोई नहीं लगा हुआ। हमारे पास जो टेस्टिंग के लिए स्टेबलाइजर आए भी हैं वो ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। अभी भी LG का ये AC आपके सामने, आपने पिछली वीडियो में देखा जब हमने इसको खोल खाल के दिखाया, तो ये डायरेक्ट ही चल रहा है। वो एक वीडियो के लिए लगाया था स्टेबलाइजर, उसके बाद उतार दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वोल्टेज जो है 220 या 240 के बीच में ही रहता है। तो ऐसे में अगर आपको ये लगता है कि आपके एरिया में ड्रॉप नहीं जाएगा तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक्सटर्नल वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाने की अपने AC के साथ। होप सो आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।